तुमने कोशिश ही नहीं की, तुमने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो ये हालात बदल सकते थे, ये अश्क तुम्हारे आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर बहुत दूर निकल सकते थे, आप झील की पानी की तरह उठे हुए हो देश को एक जगह पर। आप इस खुश मत होइए सुधाकर बाबू खुश मत होइए कि बिहार के लोगों को बहुत कुछ मिल गया। आप सबको याद होगा भाइयों बहनों, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,25,00,000 करोड़, वो 1,25,00,000 करोड़ कहाँ गया? या तो गया नहीं, अगया तो सारी पुले गिर गई। अध्यक्ष जी, अगर आप इस बजट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बजट कुछ और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों, झूठी बातें और जुमलों को चीख चीख कर आईना दिखाने वाला बजट है। सरकार की गजब की कहानी है। पिछले 10 सालों से 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले बोले थे कि 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरी और रोजगार दे दिए, लेकिन कमाल की बात है कि जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बरसों से दे रहे हैं, 79,99,999 अभी तक नहीं हुआ, 80 करोड़ ही है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जिस सरकार के ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर सालों साल जिंदा रहना पड़ता है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, उससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। तुमने कोशिश ही नहीं की, नहीं तो ये हालात बदल सकते थे, ये अश्क तुम्हारे आँखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर बहुत दूर निकल सकते थे, आप झील की पानी की तरह उठे हुए हो देश को एक जगह पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी से सुन रहा था और बाद में इस पुस्तिका में पढ़ रहा था तो एक बार की मुझे ऐसा लगा कि ये बजट मैं बिहार के वित्त मंत्री का सुन रहा हूँ। सुधाकर बाबू खुश मत होइए कि बिहार के लोगों को बहुत कुछ मिल गया। आप सबको याद होगा भाइयों बहनों, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,25,00,000 करोड़, वो 1,25,00,000 करोड़ कहाँ गया? या तो गया नहीं, अगया तो सारी पुले गिर गई। मैं अध्यक्ष जी बड़ा चिंतित हूँ 2 बातों को लेकर। एक, मैं उस सरकार के महान सलाहकार को जानना चाहता हूँ जिन्होंने पूर्वोदय योजना को बिहार से शुरू किया। पूर्वांचल कहाँ गया? शेरशाह सूरी ने कहा था कि चंदौली उस जमाने में गेटवे ऑफ पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आप पूर्वांचल को छोड़कर हार के बाद इतनी नफरत, उत्तर प्रदेश हार के आपको इतनी नफरत को उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, आंकड़ों के साथ आईना दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे साथियों ने आंकड़े पेश किए हैं और सरकार को भी सच समझ में आता है। लेकिन अगर आप पूर्वांचल को छोड़ देंगे और पूरे पूर्वोदय योजना की बात करेंगे, आपने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं दिया, हमारे पूर्वांचल को आपका बोरिया बिस्तर तो पूर्वांचल ने बांध दिया, इंतजाम कर दिया है, और इसी तरह की नफरत दिखाते रहिए, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से बोरिया बिस्तर बांध दिया जाएगा, ये लिख कर रख लीजिए, किसी घमंड में अहंकार में मत रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूँ कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। मेरे लोकसभा में आपके 11 सालों के शासन में आपने कुछ भी नहीं दिया। हमारे यहाँ 3 मिलें हैं, स्वदेशी काटन मिल, पर्दा और रसड़ा की चीनी मिल, बरसों से बंद है। माननीय कपड़ा मंत्री जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने आज से 7 साल पहले घोषणा कर दिया था चलाने का, और 85 एकड़ एक जगह जमीन, 25 एकड़ एक जगह जमीन, लैंड माफिया के गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। मैंने सुना वहाँ प्लाटिंग करने की योजना बनाई जा रही है। मैं आपसे मांग करता हूँ
इस बजट में मेरे लोकसभा के तीनों मिलों को चालू किया जाए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, और अगर किसी भी वजह से मिलों को उस हालत में चालू करना संभव नहीं हो तो वहां वैकल्पिक उद्योग लगाया जाए। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका घोसी है। आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक बताया कि इनके यहाँ बक्सर में बाढ़ आएगा तो मेरे गांव सुरही बलिया में बाढ़ नहीं आएगा। यहाँ सांसद पूर्वांचल के बैठे हुए हैं, मैं तो पीलीभीत से जोड़ता हूँ, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ बाढ़ नहीं आता है? मेरे यहाँ मधुबन ब्लॉक का बिनटोलिया से लेकर गजियापुर का पूरा बांधा टूट रहा है। गाजीपुर के लोग सेमरा गाँव सालों से डूब रहा है, बक्सर से लेकर वहाँ तक सारे गाँव डूब रहे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन चली जा रही है। सरकार उसके बारे में नहीं है। ये सरकार जब बजट को पढ़ेंगे तो ऐसा एहसास होता है कि ये बजट देश के लिए नहीं अपने उन दो बैसाखियों के लिए बनाया गया है जिन बैसाखियों के सहारे ये सरकार अपनी आखिरी सी सांसें गिन रही है और चलेगी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 100 करोड़ इंटर्नशिप की बात हो रही है। जो लोग 2 करोड़ रोजगार 10 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 1 करोड़ के इंटर्नशिप पर आ गए, वो भी एक इमेजिनरी फिगर है, छलावा है, झूठ है। 500 कंपनियों में आप नहीं दे सकते। आप अग्निवीर से भी ज्यादा खतरनाक योजना नौजवानों के लिए ला रहे हैं जो 1 साल में उनको सड़क पर खड़ा कर देंगे। आप तो नौकरी और रोजगार की बात करते थे। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे पूर्वांचल के इलाके को पूर्वोदय योजना में शामिल किया जाए। हमारे यहाँ जो प्रधान की मिल है 85 एकड़ जमीन है, आप वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं। हमारा मऊ तो पूर्वांचल का मेडिकल हब बन रहा है, लेकिन सरकारी सुविधा कुछ नहीं है, प्राइवेट के जिम्मे है। अगर वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाए, ट्रॉमा सेंटर बन जाए, स्किल सेंटर बन जाए, बुनकरों का इलाका है, साड़ी प्रोसेसिंग यूनिट बन जाए, हमारे मऊ की हालत बड़ी बुरी तरह खराब है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि ये सरकार जो नौकरी की वादे करती थी, जिन्होंने बार बार कहा है कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरी लेकर आए हैं, रोजगार लेकर आए हैं, एक इस सदन के लोगों को पता होना चाहिए कि नौकरी रोजगार किस बोरे में रखकर किस खाई में फेंक दिया गया है, जो न पढ़ा जा रहा है न दिखाई दिया जा रहा है। आप झूठे दावे बंद करिए, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। जो झूठे झूठे वादे करते हैं, आप बजट में हर साल बातें करते हैं, पिछली बजट की बात नहीं होती है, वो पैसे कहाँ गए? आप तो कुछ इस तरह एहसान करते हैं हुजूर कि अपने बातों से इस आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आप अपनी बातों से इस आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आंखें तो छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। हमें आपके दान के चश्मे नहीं चाहिए, हमारे आंखों को छीनना बंद कर दीजिए। माननीय सदस्य स्पीकर जी, आखिरी बात, हमारे यहाँ जो मेरा इलाका है, मैं हमेशा कहता हूँ बदहाल बुनकर, बेहाल किसान और बेरोजगार नौजवान, तत्काल सरकार संज्ञान ले और जो गांव कटानों में डूब रहे हैं, चाहे गाजीपुर का हो, बलिया का हो, मऊ का हो, आजमगढ़ का हो, गोरखपुर का हो, कुशीनगर का हो, उसके लिए व्यवस्था कर दिया जाए और जितने गांव डूब गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। आपने मुझे समय दिया, बहुत सारी बातें बोलनी थी, समय का अभाव में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि सरकार संवेदना के साथ सुनेगी, समझेगी।